आपके घर में लड़का है या लड़की, आमतौर पर इस प्रश्न का उत्तर डिलीवरी के बाद ही मिलता है, लेकिन डिलीवरी तक इंतज़ार करना माँ और परिवार के अन्य लोगों के लिए भी काफ़ी लंबा समय होता है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि उनके घर में बेटा आएगा या बेटी। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम उन घरेलू उपायों के बारे में आपको बताएंगे जिनकी मदद से आप डिलीवरी के पहले ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप जिसे जन्म देने वाली हैं वो एक लड़का है या लड़की। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, पेट का आकार। पेट के आकार को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। हमारे देश में मौजूद ये प्रथा सालों पुरानी है। इसके अनुसार अगर आपका पेट आगे की तरफ निकला हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप एक लड़के को जन्म देने वाली हैं। लेकिन अगर आपका पेट बड़ा है और दिखने में गोल मटोल है तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके गर्भ में एक लड़की पल रही है। नंबर दो, बार बार मूड बदलना। प्रेगनेंसी के दौरान बार बार मूड बदलना प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके साथ एक और भी मान्यता जुड़ी है। वो मान्यता यह है कि अगर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान किसी खास बात और तीसरी तिमाही में हर बात को लेकर आपको दुख और पछतावा हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके गर्भ में लड़का है। लेकिन अगर आपको गर्भ में बेटी है तो आपकी भावनाएं संतुलित रहेंगी। नंबर तीन, शिशु का पेट में लात मारना। प्रेगनेंसी के 16 से 25 सप्ताह के दौरान शिशु आपके पेट में लात मारना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि शिशु के लात मारने से भी इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वो एक लड़का है या फिर लड़की। बरसों से बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि अगर शिशु पेट के निचले हिस्से में लात मारता है तो इसका मतलब यह है कि वो लड़का है। लेकिन अगर वह पसली की तरफ लात मारता है तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि वो एक लड़की है। नंबर चार, पसंदीदा चीज़ों को खाना। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के खान पान से भी इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वह एक लड़के को जन्म देने वाली है या लड़की को। ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको पूरे दिन भर मिठाई या आइसक्रीम खाने का मन करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप एक सुंदर कन्या को जन्म देने वाली हैं। लेकिन अगर आपको पूरे दिन चटपटा और मसालेदार चीज़ों को खाने का मन करता है तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में नन्ना सा पुत्र पल रहा है। नंबर पाँच, खाने से नफरत होना या खाने के बाद उल्टी होना। प्रेगनेंसी का अनुभव हर एक महिला के लिए अलग होता है। जहाँ एक तरफ कुछ महिलाएं दिन में 5 बार खाना खाती हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाओं का खाना खाने से मन ही उठ जाता है, उन्हें खाने से नफरत हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह प्रतिक्रिया आपके घर में पल रहे शिशु के लिंग की तरफ भी इशारा करती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं के घर में लड़का होता है उन्हें खाना खाने से नफरत या खाना खाने के बाद उल्टी की अधिक शिकायत होती है। एक रिसर्च से भी यह बात सामने आई है कि शरीर मादा भ्रूण की तुलना में नर भ्रूण को अधिक सुरक्षित रखता है। नंबर छः, दिल की धड़कन। आप अपने शिशु के दिल की धड़कन की मदद से भी इस बात का पता लगा सकती हैं कि वो एक लड़का है या लड़की। गर्भ में मौजूद शिशु का दिल 1 मिनट में 140 बार से कम धड़कना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप एक लड़के को जन्म देने वाली हैं। वहीं अगर दिल की धड़कन 1 मिनट में 140 बार से ज़्यादा धड़के तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके घर में एक खूबसूरत नन्ही परी आने वाली है। गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जाँच करना कानूनी तौर पर अपराध है। हमने आपको इस वीडियो में जिन घरेलू उपायों के बारे में बताया है उनकी मदद से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके घर में लड़का आने वाला है या लड़की। इन तरीकों की मदद से आप बस अंदाज़ा लगा सकती हैं। ये उपाय 100% गारंटी नहीं देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।